हुआ था एक्चुअली. मुझे लगा था शायद सर ने बुलाया मुझे, ऐसी बातें हुई हमारी, कोई खास उसके ऊपर बातें नहीं हुई थी, ऐसे चाय पानी पी और बैठे रहे, होटल में थे हम लोग सब. तो सर ने कहा कि बाड़ा साहब ठाकरे का रोल करना है. तो अंदर से तो मैं दिखा नहीं सकता था खुशी कितनी हो रही, बट मैं बहुत ही डिसिप्लिन में ऐसे बैठा, ओके सर ओके. बट बाहर जैसे हम होटल से जब मीटिंग करके जब बाहर गए, तो मैं और मेरा भाई, हम लोग अनूप, हम तीन चार लोग थे, तो बस ऐसे हुआ, यस. जितना पढ़ सकता था, जितना देख सकता था, जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल सकती उतना किया, उससे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे मतलब. और जैसे सर का छोटी छोटी डिटेलिंग सर आके बताते थे हमें, और मेहनत ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा मुझे इसी पिक्चर में करनी पड़ी. मैंने और किसी फिल्म में तो की नहीं इतनी मेहनत, मतलब की लेकिन इसमें बाकी मुझे एक्सट्रीमली उस पर जाने की कोशिश की मैंने कि कितनी कर सकते हैं मैंने. और करते हुए नो डाउट नर्वसनेस भी रहती थी हमेशा, है ना, और लेकिन एक चैलेंज था, तो चैलेंज करने में मज़ा भी आता है एक्टर को. बट द थिंग इज़ के मेरे जो डायरेक्टर हैं वो बहुत ही सपोर्टिव हैं. वो उसका उनका जो कॉन्फिडेंस जो होता है ना, आपको कहीं का कहीं एक एक्टर के क्या होता है ना, एक छोटे से कॉन्फिडेंस पे एक्टर कहीं का कहीं जा सकता है, जहाँ पे आप सोच नहीं सकते एक ऐसी जगह पे जा सकता है एक एक्टर, अगर उसको आप कॉन्फिडेंस दें तो. तो ये चीज़ें थी, डिफ़िकल्ट थी प्रोसेस बहुत, बट चूँकि सपोर्ट था सर का, मेरे डायरेक्टर का, तो उसकी वजह से चीज़ें पॉसिबल हो पाई. निभाते हुए तो देखो बहुत सारे वो होते हैं ना, चैलेंजेस होते हैं, नर्वसनेस भी होती है कि अभी सीन करना है, तो वो सारी प्रोसेस, वो सारी चीज़ें चलती हैं दिमाग में, तो मज़ा तो नहीं आता, ये नहीं कह सकते कि बहुत ही इंजॉय कर रहा हूँ, नर्वसनेस होती है ज़्यादा एक्चुअली. फील होता है लाइक जैसे आजकल मैं जब घर जाता हूँ तो वाइफ को बोल देता है ए साइड सीधा ही जाता है. तो बाड़ा साहब का इतना असर मेरे पे आ गया, मैं अभी थोड़ा सा मैं अभी डरता नहीं हूँ. बाड़ा साहब का एक लाइन में तो खैर बहुत डिफिकल्ट है, बट बाला साहब का पर्सनैलिटी ट्रांसपेरेंट पर्सनैलिटी थी, जो बाहर थे वही अंदर थे, ये ऑनेस्टी उनकी पर्सनैलिटी में थी एक्चुअली, एक लाइन में.